प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हिमाचल विधानसभा नतीजों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीएम के निर्देशों के बावजूद गोंडा के सड़कों का नहीं हुआ निर्माण, स्थानीय लोगों में है आक्रोश का माहौल। अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या, पिता और बेटा हत्या कर मौके से फरार। एमबीबीएस छात्र के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए विधायक मनीष असीजा ने किया प्रदर्शन, प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। जीएसटी विभाग की छापेमारी से परेशान व्यापारियों ने दुकानें की बंद, डासना चेयरमैन ने व्यापारियों से शांति बनाने की अपील की। नमस्कार, देख रहे हैं आप प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बुलंदशहर के अनूप शहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह रावत से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जीएसटी अभियान को लेकर सरकार को घेरा है। इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय पर, जहां हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं ज्ञानेंद्र राघव जी, से उनसे बात करते हैं जीएसटी को लेकर क्या वो है मामला। ज्ञानेंद्र जी, आपको प्राइम टीवी में बार बार स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से आप लोग किसान मजदूर आम नागरिक की समस्या आपका न्यूज़ उठाता रहता है, इस भीषण दौर में आवाज़ उठाना भी दुर्लभ हो गया है। जीएसटी की जहाँ तक बात है, तो जिस दिन ये जीएसटी का बिल आया, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं ये सरकार व्यापारी, किसान और आम मजदूर का शोषण करने के लिए ये बिल लाई है। वही आप देख रहे होंगे कि अनुच्छेद नगर हो या जनपद बुलंदशहर हो, कहीं ना कहीं व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, किसान का शोषण किया जा रहा है। जबकि व्यापारी, किसान और आम उपभोक्ता, जब सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है या कहीं वो बिकता है, उस पर जीएसटी का बिल लेकर के ही, जीएसटी अदा करके ही व्यापारी कर रहा है और सामान खरीदने वाला सामान खरीद रहा है। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं उत्पीड़न उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भारत सरकार को करना है, हिमाचल प्रदेश में मिली सफलता के बाद से यूपी कांग्रेस एकदम सक्रिय हो गई है। आज लखनऊ के रविंद्रालय से लेकर शहीद स्मारक तक कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी के नेतृत्व में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। वहीं इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस की यह यात्रा प्रदेश के सभी जनपदों में चलेगी। इस यात्रा के दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की और बताया कि यह यात्रा नफरत को खत्म करने के लिए, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, आगामी निकाय चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्या मेन उद्देश्य है प्रादेशिक भारत यात्रा की, खबरें जी? देश और प्रदेश में फैली नफरत को खत्म करने के इरादे से ये प्रदेश में यात्रा निकाली गई है और यह यात्रा जाकर के भारत जोड़ो जो देश की यात्रा उसमें शामिल हो जाएंगे। हिमाचल में आपकी कांग्रेस की सरकार बनी है, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा पाई थी, लेकिन गुजरात में यात्रा भी गई थी, उसके बाद भी आपका प्रदर्शन थोड़ा सा गिर गया था, क्या कुछ कहेंगे? कोई बात नहीं है, लड़ाई है, कभी हम जीतते हैं कभी हम हारते हैं। आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? निकाय चुनाव में कांग्रेस बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे करेगी। इस भारत जोड़ो यात्रा से जो आगामी लोकसभा चुनाव है दो दो साल बाद होने वाला है, उस पर क्या जो है परिवर्तन जो है वो हो सकता है, चुनाव होने वाले हैं, क्या रणनीति रहेगी इससे कांग्रेस की इस यात्रा के बाद? अभी यात्रा के बाद लोकसभा के चुनाव की तैयारी देखी जाएगी। प्रदेश और देश में फैली नफरत को खत्म करने के लिए भारत को प्रेम से जोड़ने का रास्ता है। क्या दिल्ली में इस बार गैर बीजेपी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। नेतृत्व कौन करेगा इसका, प्रधानमंत्री आपके यहाँ कौन होंगे? राहुल गांधी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह का
किस तरह बिजलाल खाबरी जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे कहा है कि इस बार दिल्ली में जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें गैर बीजेपी सरकार दिल्ली में बनेगी। राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, दिल्ली में गैर बीजेपी कांग्रेस सरकार बनेगी। जनता के बीच जो है मुद्दों को, जो महंगाई का मुद्दा है, जो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, उसको जो है इस यात्रा से लोगों को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जोड़ के देखा जा रहा है। जो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है उस पर बड़ा पलटवार किया है बिजलाल खाबरी ने, और उन्होंने कहा है कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकाले हैं, उस शीर्ष नेतृत्व को साथ लेके उनकी यात्रा को सपोर्ट करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ये प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकली है। हिमाचल में बड़ी जीत के साथ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। अब बिजलाल खाबरी ने सीधे कहा है कि इस बार जो आम चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनेगी और राहुल गांधी जो है वो अगले प्रधानमंत्री होंगे। कैमरामैन नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। ये जो प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हो रही है यहाँ से, इसका क्या मोटिव है? देखिए, ऐसा है कि ये देश हर लिहाज से बर्बाद हो गया है और बर्बाद करने वालों को सब पता है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है, इन लोगों ने साजिश के तहत लोगों को बांट करके, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बांट करके, वो उन्होंने एक बार सत्ता हासिल कर लिया और उसको बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। इससे देश बर्बाद हो रहा है और जो मेन मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था बर्बाद हो गई है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, दवाएं उपलब्ध नहीं है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इससे ध्यान भटकाने के लिए वो लोग जो है वही जात बिरादरी धर्म मजहब हिंदू मुसलमान का पचड़ा फैलाए हुए, गंदगी फैलाए हुए। इतना साल पुराना देश है, कांग्रेस ने इस देश पे काफ़ी समय तक शासन भी किया, सरकार भी रही है, और 8 साल में देश बर्बाद हो गया। ऐसा है कि 8 साल में दिखाई पड़ रहा है, हर जिस स्तर पर आप देखना चाहें, चाहे वो DGP देख लें, चाहे शिक्षा की व्यवस्था देख लें, चाहे भ्रष्टाचार देख लें, चाहे बेरोजगारी देख लें, चाहे महंगाई देख लें, सब दिखाई पड़ रहा है। लोगों की कमर टूट गई है, लोग समझ रहे हैं लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। उनको हिंदू मुसलमान के नाम पर वो जो अफीम का नशा है वो चुसा करके उन्होंने सत्ता हासिल किया। अब उनकी आदत हो गई ख़राब, इसी को आधार बना करके असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन्हीं मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी एक पार्टी ऐसी है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आतंक का माहौल बना करके सबको दबाने का काम किया। लोग सड़क पर निकलकर बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस माहौल में इन मुद्दों को लेकर के वो सड़क पर निकले और हिंदू मुसलमान धर्म मजहब जात बिरादरी के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने मुद्दों को लेकर के मैदान में आओ। भारत जोड़ो यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में जन जन के दिलों में चल चुकी है और सारा हिंदुस्तान इस वक्त माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में चलने को तैयार हो गया है। उसको गुलामी कदाप बर्दाश्त नहीं है, उसको झूठ कदाप बर्दाश्त नहीं है, उसको फरेब कदाप बर्दाश्त नहीं है, और सब लोगों ने ये सौगंध ले लिया है, ये संकल्प ले लिया है कि भारत को तोड़ने वाली ताकतों को हिंदुस्तान से बाहर करेंगे और भारत को जोड़ने वाली ताकतों को हिंदुस्तान में पुनः आबाद करने का कार्य करेंगे। हिमाचल में यात्रा नहीं गई थी राहुल गांधी की, लेकिन वहाँ अपने सरकार बना ली, जबकि गुजरात में यात्रा गई थी। गुजरात का परफॉर्मेंस कांग्रेस का जो है पिछली बार से काफ़ी बदतर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं अपना जवाब दोहराता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में चाहे यात्रा अभी वहाँ पहुँची है, चाहे यहाँ उतना नहीं पहुँची है, जन जन के दिलों में, जन जन के दिमाग में राहुल गांधी जी की या भारत जोड़ो यात्रा पहुँच चुकी है, और एक एक हिंदुस्तानी जिसको देश से प्यार है, जो देश की आज़ादी से मोहब्बत करता है, जिसको सच के साथ चलना है, वो सब लोग राहुल गांधी जी के साथ अडिग होकर खड़े हो चुके हैं। अब आपको हिंदुस्तान को आगे ले चलना है, बाकी बातें आप भूल जाओ।
राहुल गांधी पिछले काफी समय से पूरे भारत में एक यात्रा कर रहे हैं जिसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है, और इस यात्रा के साथ वो भारत के कई राज्यों में कई शहरों में वो एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, वो भारत के जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में यूपी कांग्रेस के द्वारा एक प्रादेशिक जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये तमाम जो कांग्रेसी इकट्ठा हुई है प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा के लिए, उनको दिखाया जाए कि लोग कांग्रेस के झंडे लेके यहाँ पे काफ़ी कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ये प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस की, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रविंद्रालय चारबाग से शुरू होगी और थोड़ी देर में यात्रा शुरू होने वाली है। और मैं यहाँ पे कुछ कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आपको बताऊँगा। जी मैम, क्या नाम है आपका? रफत फातिमा, मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूँ। ये बताइए कि जो प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, क्या मोटिव है इस यात्रा का? देखिए, हमारी भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकल चुकी है और कब से कई हजार किलोमीटर चल के आखिरी में कश्मीर जाएंगे। और ये बेसिक मुद्दों की, जनता के जो त्रस्त है आज मुद्दों से, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर आज महिलाएं परेशान हैं, उन सब मुद्दों को जो है लेकर राहुल जी जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देश की जो समस्याएं हैं उन पर विचार कर रहे हैं। तो हम लोग इलेक्शन नहीं, हम इमोशन से जनता की संवेदनाओं से को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के उद्देश्य ये हम लोग प्रदेश प्रदेश यात्राएं निकाल रहे हैं जो जनता की समस्याओं को सुने, और कांग्रेस इसको लेके पूरी तरीके से जो है कंधे से कंधा मिला के राहुल जी के साथ आगे बढ़ रही है। एक तरफ राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आज यहाँ पे प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकली है, गुजरात में भी ये यात्रा गई थी और लेकिन हिमाचल में यात्रा नहीं जा पाई थी। गुजरात में यात्रा गई थी, राहुल जी ने संबोधन भी किया था, लेकिन गुजरात में कांग्रेस की स्थिति जो है थोड़ी ख़राब रही है, जबकि हिमाचल में सरकार बना ली है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जहाँ यात्रा नहीं गई वहाँ आपकी सरकार है, और जहाँ पर यात्रा गई वहाँ पर स्थिति खराब हो गई? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप बार बार गुजरात का जिक्र कर रहे हैं लेकिन हिमाचल का जिक्र उतने प्यार से और उतने खुशी से क्यों नहीं कर रहे हैं। हम हिमाचल में पूरे बहुमत से आए हैं और उन्हीं मुद्दों को लेके हम शुरू से चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं, और राहुल जी पूरे देश में चल रहे हैं, और हम जो है गुजरात में भी और हिमाचल में भी, पूरे देश में अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो सिर्फ कांग्रेस उठा रही है। और आप बीजेपी से पूछिए वो कहाँ का उनका सूपड़ा साफ हुआ है, हम उनसे बात करिए कि कहाँ का उन्हीं ने अपनी ज़मीन खोई है, कहाँ का उनका सिंहासन डावरडोल हो रहा है, अभी आगे भी उनका जो है जो हालात उन्हीं ने देश के पैदा करें उसको देखते हुए उनका जो है जो ये इन्हीं ने सत्ता को जो है हथियार के जो जिस तरीके से जनता को परेशान करा है, जनता उनको सबक सिखाई। आप यूपी के उपचुनाव से कांग्रेस जब दूर रही थी, आने वाले समय में 2 साल बाद जो आम चुनाव है, तो कांग्रेस इसके लिए क्या रणनीति लेके आई है आम चुनाव के लिए? देखिए, हमारे निकाय चुनाव नज़दीक है और इसलिए जो हम जो है उपचुनाव से हमने दूरी बनाई, हम पूरी तरीके से बहुत ही मतलब मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेंगे, अपने जो प्रत्याशी हैं जो दम अपने दमखम पे और पूरी तरीके से मजबूती से लड़ेंगे उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाएंगे, और कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए ही सारे जो है स्ट्रेटेजिकल जो मंथन कर रही, विचार विमर्श कर रही, उसी पर कर रही। तो ये जो यात्रा है स्पेशली निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है? नहीं, हमारा देखिए इलेक्शन मोड हमारा हमेशा नहीं रहता, हम जनता के इश्यूज देखते हैं, जनता की भावनाओं की कद्र करते हैं, ये जो बीजेपी का काम है जो चुनावी मोड में, आज हम इमोशंस के साथ जुड़े हैं लोगों के साथ और लोग इसीलिए हमारे साथ आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी भीड़ जो दिख रही है वो सिर्फ इसीलिए है कि हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। हमने कभी सत्ता के लालच में कभी कुछ नहीं करा, हम लोग ने हमेशा जनता के मुद्दे बनाए, आज भी हम लोग जनता के ही मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम जनता के मुद्दे की बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, उसे जनता के मुद्दों से बात करना ही नहीं है। तो मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। भारत जोड़ो यात्रा की जो प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में शुरू है, और बृजलाल खाबरी अपने नेतृत्व में लखनऊ के रविंद्रालय से भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल चुके हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस समर्थकों का हुजूम है, पीछे बृजलाल खाबरी जी हैं, यहाँ पे कुछ कांग्रेस समर्थक हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस भारत जोड़ो यात्रा का मेन मोटिव क्या है? भारत नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में कई राज्यों कई शहर तक जा चुके हैं, हिमाचल में आपकी सरकार है, तो इस जो लखनऊ में आज जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इसका उन्हीं के समर्थन में हम लोग आज भारत जोड़ो यात्रा लखनऊ में निकाल रहे हैं। हमारे नेता रोज 25 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए। ये मीडिया और जो राजनेता हैं ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, देश के मेन मुद्दों को लोगों को भटका रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, और हमारे बच्चों के पास डिग्रियां लिए टहले उनके पास रोजगार नहीं है, हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं।
खबर बुलंदशहर से है, जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र एसडीएम को सौंपा। जीएसटी विभाग की चल रही छापेमारी पर रोक लगाने की मांग पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम से बातचीत की। नगर अध्यक्ष मनीष गर्ग ने बताया कि शासन के प्राप्त निर्देशों पर जीएसटी विभाग 40 लाख से कम टर्नओवर करने वाले व्यापारियों के खिलाफ जांच कर रही है, जिसके कारण व्यापारियों में दहशत का माहौल है। लॉकडाउन और जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारी वर्ग ने संभलना शुरू किया है। उन्होंने जीएसटी अधिकारियों की पंजीकरण के नाम पर की जा रही कार्यवाही गलत है, व्यापारी वर्ग के सरकार के राजस्व में योगदान कर रही है। साथ ही व्यापारी वर्ग के सभी पदाधिकारियों ने जीएसटी छापेमारी के तत्काल रोक लगाने की मांग की है। छापे पड़ रहे हैं, उससे व्यापारी बड़ा भयभीत है। उस भय को दूर करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया और व्यापारियों को इकट्ठा किया गया, उन्हें समझाया गया कि जो कमी होगी बताएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने प्रतिष्ठान खुले रखें, कोई भी प्रतिष्ठान को बंद ना रखें। खबर फरीदाबाद से है, जहां दो महिला कर्मचारियों की संदिग्ध परिस्थितियों में एकॉर्ड अस्पताल परिसर में शव फांसी पर लटकता मिला। युवतियां नर्सिंग स्टाफ और फार्मेसी जीएम के पद पर तैनात थी। मृतका के परिजनों ने फार्मेसी संचालक सचिन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना की जानकारी पर पुलिस अधिकारियों ने की, मामले की जाँच की जा रही है। हत्या से संबंधित दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जाहिर किया था कि उसकी लड़की को तो सचिन, जो कि एकॉर्ड हॉस्पिटल में फार्मेसी के ओनर हैं, उन्होंने उस पर शक जाहिर किया था कि उनकी लड़की को उसने, उसके स्टाफ ने मार के लटकाया है। इस संबंध में FIR दर्ज कर रखी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये लड़की वहाँ क्या काम करती थी और रहती कहाँ थी? ये लड़की जो शीतल है, ये फार्मेसी में, एकॉर्ड हॉस्पिटल की जो फार्मेसी में, उसमें जनरल मैनेजर थी ये, और ये समर पाम सोसाइटी में रहती थी। खबर फिरोजाबाद से, जहां मृत MBBS छात्र के परिजनों के समर्थन में विधायक मनीष असीजा ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। विधायक ने CM और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए कॉलेज प्राचार्य संगीत अनीजा समेत सभी को लखनऊ कार्यालय से संबद्ध कराने की मांग की, ताकि निष्पक्ष तरीके से आरोपियों के खिलाफ जाँच की जा सके। आज लगभग 10 दिन के लगभग हो गए मेरे बेटे को, अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है। जिन लोगों के नाम में हमने नाम दर्ज रिपोर्ट की है, वो लोग उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं अभी तक, और बच्चों पर प्रेशर बनाए हुए हैं। कहने को सारे लोग ये कह रहे हैं जांच चल रही है, जब तक केस में जो वांछित लोग हैं वहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक जाँच क्या हो पाएगी। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, और हम न्याय के लिए ही वहाँ बैठे हैं, न्याय के अलावा हम कुछ नहीं चाहते। लखनऊ से जाँच टीम भी आई थी। जी जी। खबर गाजियाबाद से है, जहां जीएसटी विभाग की चल रही छापेमारी से परेशान व्यापारियों ने दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डासना चेयरमैन हाजी आरिफ अली ने जीएसटी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर व्यापारियों से शांति और दुकानें पुनः खुलने की अपील की। इस दौरान चेयरमैन ने बाजार में भ्रमण कर रहे व्यापारियों को GST कानून के प्रति जागरूक किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने GST पर जो पिछले 72 घंटे से छापेमारी पड़ रही थी, उस पर रोक लगा दी है। सभी व्यापारी, चाहे वो छोटे व्यापारी हों चाहे बड़े व्यापारी हों, वो सभी अपनी दुकानें खोलें। GST अधिकारियों से कोई ना डरे, ना कोई GST वाला आ रहा है और ना ही आएगा। तो चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है, आप आराम के साथ सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानें खोलें। व्यापारी हैं हमारे जो 3 दिन से भयभीत हैं, दुकानें बंद कर रखी हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी दुकानें खोलें। ना किसी दुकान पे कोई छापा डलेगा, ना किसी का चालान कटेगा, ना ही कोई किसी से जुर्माना ले रहा है। ये अधिकारी जो डासना में फिर रहे हैं, उनका मकसद किसी पे जुर्माना करना नहीं है। उनका मकसद है, उनके पास एक लिस्ट है लगभग 10 या 12 लोगों की, उस लिस्ट में किसी ने फर्जी नाम लिखवा दिए हैं लोगों के। खबर गाजियाबाद से, जहां लोनी नाईपुरा के स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर अवैध वसूली करने की शिकायत पर क्षेत्रीय विधायक नंद किशोर गुजर बिजली घर पर पहुंचकर जनता से फीडबैक लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही लखनऊ बिजली विभाग के चीफ को फोन कर जनता के समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश जारी किए।
लेकिन बिजली विभाग में खास तौर से जो ये क्षेत्र है हमारा इंदिरापुरी जो एक्शन के अधीन आता है, इस क्षेत्र में लगातार लोग आकर के शिकायत कर रहे थे कि यहाँ प्राइवेट लोग हैं, वो घरों में घुस जाते हैं और कट मार देते हैं, उसके बाद सेटिंग करते हैं, जितने पैसे दे दो ठीक हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कई लोग जो पीड़ित थे उसको सारे विभाग ने भी गलती माना है। अब ये एक नौजवान जो है प्राइवेट नौकरी करता है उसको अब इन्होंने तुरंत समाप्त कर दिया। अगर ये घूम रहा था इतने दिन से, बिल भी जमा है इसका, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को पीड़ित करना, इससे कहा कि तुम्हें 1.5 लाख रुपये दो, 30,000 रुपये के 10,000 में ठीक कर दिया, ये भी आपके सामने है। तो इस तरह की जो घटनाएँ हैं, जो भी संविधान खबर गाजियाबाद से, जहां अवैध संबंधों के शक में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। पिता और पुत्र की मां से अवैध संबंधों के चलते युवक की धारदार हथियार से हत्या कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया। क्षेत्राधिकारी पूनम मिश्रा ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। खबर गोंडा से है, जहां दिल्ली से आ रही डबल डेकर बस रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े खराब ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। हादसे में कई यात्री घायल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची कर्नलगंज थाने की पुलिस ने राहत की बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। ARTO बबिता वर्मा ने बताया कि सूचना संज्ञान में आई है, घटना से संबंधित दोषी अधिकारियों की जाँच करा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग शायद घायल भी हुए हैं, ऐसा मेरे नोटिस में अभी आया है। लेकिन उसमें रिफ्लेक्टर ना लगे होने के कारण ये हादसा सामने आया, क्योंकि 5 बजे का हादसा हुआ था, उस समय कोहरा भी था और वो दिखाई नहीं पड़ा और हादसे का शिकार हो गए। तो इस तरीके की बातें सामने आई हैं, इस पर आपका क्या कुछ एक्शन रहेगा? रिफ्लेक्टर के लिए विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, अभी भी है, एक आदेश हुआ है नवम्बर महीने में, क्योंकि सर्दियों का समय शुरू हो रहा है, कोहरा स्टार्ट है, तो स्पेशली सारी गाड़ियों में और स्पेशली ट्रैक्टर ट्रॉली में मैंडेटरी रिफ्लेक्टर लगवाना। अभी कुछ दिन पहले PTO गए हुए थे चीनी मिलों में, जाकर उन्होंने रिफ्लेक्टर लगवाया है, क्योंकि गोंडा में मोस्टली गाड़ियां जो हैं ट्रैक्टर हैं वो चीनी मिलों में चल रहे हैं, तो इसको रिफ्लेक्टर के लिए अगर यहाँ पे कोई गाड़ी भी आती है ऑफिस स्तर से तो बिना रिफ्लेक्टर के कोई भी गाड़ी की फिटनेस नहीं दी जाती है, और इसके लिए ढेर सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं और रिफ्लेक्टर नहीं लगे होने पर कार्रवाई भी की जा रही है। खबर गोंडा से है, जहां CM योगी आदित्यनाथ ने सड़कों को 30 सितंबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश जारी किए थे। PWD विभाग और क्षेत्राधिकारियों ने कटरा विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर कटरा बाजार समेत कई जगहों पर सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क निर्माण न होने से आए दिन राहगीरों, स्कूली बच्चों, वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय समाज सेवी और आम जनता ने प्रदेश सरकार के खिलाफ व्यापक आक्रोश है। रोड तो पहाड़ापुर से शुरू होकर वहाँ खान चौराहा तक जाती है, लेकिन अभी तक हमारे जानकारी में एक भी बार इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो आप लोग कैसे आने जाने में बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पहाड़ापुर से सीधे लोग निकलते हैं, किसी तरह दुर्घटना से भी बच रहे हैं, किसी तरह आते जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। आज तक इसका कोई भी मतलब रिपेयरिंग नहीं हुआ। कोई अधिकारी देखने आए? अधिकारी भी हमको नहीं लगता कि कभी देखने आए होंगे। इस रोड पर बहुत बड़े बड़े गड्ढा भी हैं और हाँ के तो हमारे के तो पैदाइश में तो अभी नहीं भा है, तब से बना है। तो आप सब लोग आते जाते हैं, कैसे आते जाते हैं? हाँ साहब, तो कोनो मेरे से आवाज जावा जात है। कोई अधिकारी देखने आए अभी नहीं? हाँ के अधिकारी तो बहुत जने आवत हैं, अपन चले जाते हैं देख साल के, लेकिन उससे कोई कार नहीं। हाँ असन्ना। अच्छा ये बताइए, ये रोड कहाँ से आई है, कहाँ तक जाती है? ये पहाड़ापुर से आई है और रामगढ़ मोड़ तक जाती है। अरे ये आप लोग पढ़ने जाते हैं, कैसे जाते हैं? यहाँ गड्ढा बड़े बड़े हैं, बहुत से बड़े बड़े गड्ढा हैं, यहाँ पर जाने पर रोड पर दिक्कत होती है, साइकिल पंचर हो जाती है, बहुत से दिक्कत होते हैं। मरम्मत कार हुआ या नहीं? बहुत दिन पहले हुआ था, कम से कम 10 साल हो गए। अच्छा इस पे इतने बड़े बड़े गड्ढा, आप रिक्शा चलाते हैं? बहुत तकलीफ होती है, कभी पलटने का डर रहता है, कभी पलट जाए सवारी को चोट लग जाए, हमको भी लग जाए, बहुत आने जाने में तकलीफ होती है हमको। तो सब लोग आप कैसे आते जाते हैं? अब बहुत मजबूरी में आते जाते हैं, पेट भरना है, गरीब आदमी क्या करेंगे हैं? और कोई परेशानी थोड़ी है, ज़्यादा यही रोड की परेशानी है। खबर सम
संभल से यह जहां कोतवाली सदर में पुलिस अधिकारी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। महिला तस्करों के पास से 18.80 ग्राम स्मैक और करीब 4000 रुपए की नकदी बरामद हुई। सदर कोतवाली पुलिस ने महिलाओं का चालान कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में संचालित 4 दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का समापन बच्चों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र वितरण के साथ हुआ। कार्यक्रम मुख्य अतिथि स्वायश पूर्व विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू, सांडी विधायक प्रभास कुमार गोपामऊ, विधायक श्याम प्रकाश, युवा भाजपा नेता पारुल दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौर ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। सामान्य ज्ञान, मेहंदी, सुलेख, रंगोली, कलश सज्जा, खेलकूद प्रतियोगिताओं के बच्चों को पुरस्कार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि विद्यालय शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार और अनुशासन अग्रणी भूमिका निभाता है। स्कूल प्रबंधक मुकेश सिंह और युवा भाजपा नेता मुकुल सिंह आशा ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया और सभी अतिथियों का आभार जताया। हम सब के नेता हमारे बैठे हुए सभी पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों और इस कॉलेज का और द्वारा बिल्डिंग से जहाँ मोबाइल है, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि झूठे दिखावे के चक्कर में अपना पहनावा दिखावा वातावरण सब बिगड़ रहे हैं और ये जो 36 शुक्रवार का आयोजन होगा ये कुछ किसी को आगे परिभाषित करेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा बड़े प्यार से अपने बच्चों को आसक्ति करते हुए सब चीजों को पूरी बना कर वहाँ पर रहेंगे और विशेष रूप से हमारे मुकुल जी, हमारे भाई अटल जी और से हमारे अखिलेश भाई जी जिनको द्वारा ये विद्यालय संचालित किया जा रहा है और हरदोई में इस प्रकार के सर्वांगीण शिक्षा का विद्यालय बनाया गया है। शिक्षा के साथ साथ यहाँ संस्कार भी दिए जाते हैं और बच्चों की प्रतिभाओं को जगाया जाता है, निखारा जाता है। आज अभी नृत्य नाटिका के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं को जिस प्रकार जगाने का कार्यक्रम किया गया है, यही बच्चे आगे चल करके देश के भावी नागरिक बनते हैं और बड़े बड़े मंचों पर जाकर हमारे जनपद का नाम रोशन करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।